आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्या कॉलेज। सो यार काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिक्वेस्ट इन द सेंस यार कमेंट्स में पूछ रहे थे लोग कौन सा कॉलेज मिला भैया कौन सा कॉलेज मिला सर। सो फाइनली यार मेरा एक साल कंप्लीट हो चुका है इस कॉलेज में। कुछ लोग देखते ही समझ गए होंगे कौन सा कॉलेज है, कुछ लोगों को मैं दिखा देता हूँ। बेसिकली मेरा एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर DTU में 2018 में। तो बाकी अब मैंने अपना एक साल कंप्लीट कर लिया DTU में। सो यार बने रहना वीडियो के साथ, काफ़ी कुछ ज़बरदस्त बताने वाला हूँ आज मैं आपको DTU के बारे में। मतलब DTU है ना अपने आप में एक शहर है पूरा, बताऊँगा आगे कैसे। और काफ़ी कुछ बढ़िया है यार DTU में करने के लिए। सो व्लॉग में बने रहना यार, बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला। और देखो यार इस सबको इग्नोर करना, मतलब सुबह सुबह सो के उठा था मैं इसलिए शूट कर रहा था व्लॉग। सो देखो यार काफ़ी ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। और मैं बता दूँ DTU आपका शाबा दौलतपुर में सिचुएटेड है और बहुत ज़बरदस्त कॉलेज है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर आगे। सो हेलो गाइस, फाइनली DTU। ये देखो मेन एंट्रेंस, ये हमारे गार्ड अंकल। गाइस जैसे आप DTU में एंटर करते हैं आपको देखने को मिल जाता है गोल चक्कर, ठीक है। यहाँ पे यार इलेक्शंस वगैरह हुए थे ना तो काफ़ी हाई DTU हो रखा है यहाँ पे, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी कर रखी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे EVMs रखे गए हैं सारे और 23 तारीख को वोट यहीं काउंट होंगे, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले हैं वैसे यहाँ पर अभी। ये देख सकते हैं जैसे आप, काफ़ी कुछ चीज़ आपको सील मिलेंगी। और ये देखो यार ये रहा DTU, ये रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, ये मिल जाता है वहीं पर ही। पीछे रह गया अपना आर्यभट हॉस्टल जहाँ मैं रात को रुका था, अब आगे दिखाता हूँ बाकी आपको। और गाइस बता दूँ आपको, ये है आपकी DSM की बिल्डिंग। DSM क्या है? दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। सो वो है यहाँ पर। और बाकी जैसे हम आगे चलते रहेंगे, अभी मैं अपने ट्रैवल कर रहा हूँ अपने धन्नों से। यार ये DTU की साइकिल्स हैं, कोई भी इन्हें यूज़ कर सकता है, कभी भी यूज़ कर सकता है। सो अब आगे आ गए हैं दो रास्ते, तो हम चलेंगे लेफ्ट। लेफ्ट से पूरा गोल घुमा के आपको मैं कॉलेज टूर कराता हूँ। सो ये आ चुके हैं हम लेफ्ट, एक रास्ता चला गया पीछे को, एक रास्ता आ गया इधर को, ठीक है। सो गाइज जब मैं पहली बार DTU में आया था ना भाई, कुछ पता नहीं चला था है कहाँ पर। आप भी आओगे ना पहली बार चक्कर खा जाओगे। ये देखो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बाकी यार ये ऐसे काफ़ी सब कुछ, बेसिकली पहले यहाँ पे जंगल सा था, ये एक और राउंड अबाउट आपने देखा था स्टार्टिंग में, एक रास्ता लेफ्ट को कट रहा था तो वो यहाँ आके मिलता है, ठीक है। सो कन्फ्यूज मत होना, कभी आओ तो सिंपल है बिल्कुल। और ये है आ गया हमारा एडमिन ब्लॉक। सो ये रहा आपका एडमिन ब्लॉक, तो हम उतर चुके हैं अपनी धन्नों से, आगे हम थोड़ा पैदल चलेंगे क्योंकि अंदर अलाउड नहीं था साइकिल लाना। तो आई होप वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी, और जो मैं शूट कर रहा हूँ पोको फोन से शूट कर रहा हूँ, और जो ऑडियो सुन रहे हैं आप वो भी इसी के मेन माइक्रोफोन से ही सुन रहे हैं। तो ये रहा देखो हमारा, क्या एडमिन ब्लॉक देख रहे हो यार, ग्रीनरी कितनी है DTU में। कभी आओ तो खोना मत बस। ये अपना DTU, चलो आपको आगे लेके चलता हूँ। सो गाइस रात का ही ब्लॉग शूट कर रखा है मैंने, लेकिन वो आपको बाद में देखने को मिले तो वीडियो में। रात में हम लोग सोए थे 2 बजे और मैं उठ गया था यार 5 बजे, टाइम लैप शूट करना था लेकिन सब खराब हो गया यार। चलो कोई नहीं आपको बताता हूँ। देखो यार एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है, आपको जैक डेली का फॉर्म भरना पड़ेगा, मेंस वगैरह आपको देना होना चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, रैंक वगैरह आएगी आपकी। ये है अपना PR ऑडी,
ठीक है, अंदर कभी आपको ले जाऊंगा बाद में, क्योंकि यार अभी क्या है ना, थोड़ा NAAC की टीम से लोग आ रखे हैं, वो कॉलेज को रैंकिंग वगैरह देते हैं, ठीक है। सो अभी इतना अलाउड नहीं है वैसे, इसलिए चलते हैं। और बाकी यार EVM, सारे EVM यहीं रखे हुए हैं DTU में, सो वोट की काउंटिंग वगैरह भी यहीं हुई है, सो इसलिए यार अलाउड नहीं है, ठीक है। बाकी आपको आगे लेके चलते हैं, अभी उधर अपना नेस्कैफे वगैरह दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, OAT के उधर अपना नेस्कैफे, ठीक है। तो चलिए यार, वीडियो के साथ बने रहिए। एक बात बोलना चाहूँगा यार, अगर वीडियो पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में। और साथ ही साथ भाई लोग हो यार, तुम लाइक तो कर ही दोगे, और बाकी कमेंट्स में पता ना और कैसे कैसे वीडियोस चाहते हो। तो और हाँ यार, एग्ज़ाम्स वगैरह मेरे ख़त्म हो ही चुके थे, एग्ज़ाम्स तुम्हारे भाई के सही चले जाते हैं, बाकी थोड़ा बहुत साथ वाले मेहरबान हो जाता। तो चलते हैं आगे की तरफ। गंगा मार्ग वगैरह वगैरह मार्ग लगे हुए हैं, यमुना मार्ग, सो बेसिकली इस साइड है हमारे कॉलेज का क्या ऑडिटोरियम, BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, BR ऑडी। सो गाइस, अगर आप पहली बार आओगे ना DTU, आओगे इसलिए एडमिशन के लिए जब आओगे ना, BR ऑडी में ही आओगे। जब मेरा एडमिशन हुआ था तो फर्स्ट टाइम BR ऑडी में ही थे, BR ऑडी में ही होता है सारा प्रोसीजर जो आगे का होता है। आप लोग भी आओगे तो BR ऑडी में आओगे, तो कन्फ्यूज मत होता, इधर उधर मत जाना, डायरेक्ट अपना यहाँ से लेफ्ट हुए, ये आगे अपना BR ऑडी। आजकल थोड़ा बता रहा हूँ, इलेक्शन वगैरह का चक्कर ये सब, तो ये ऐसे ही बैम्बू वगैरह लगा रखे थे, वरना बहुत बढ़िया लगता है यार BR ऑडी। चलो आपको दिखाता हूँ आगे। सो गाइस, ये अपना BR ऑडी, BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम। उस साइड है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी भी ले जाऊंगा आपको। और जो यार एडमिशन होने के बाद जो फीलिंग आती है ना, अल्टीमेट होती है, ठीक है। आओ DTU, मिलते हैं फिर कभी। यार आपका BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम, अब चलते हैं आगे की ओर। ये देखो, हम उसी रोड पे आगे जा रहे थे, तो आते आगे हॉस्टल्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा, वो क्या है, अपना मिकमैक। ये है हमारा मिकमैक, मिकमैक मतलब यार ये ढाबा स्टाइल बना रखा है, और काफी बढ़िया है, पराठे वराठे, मैगी वैगी, लेट नाइट क्रेविंग हो तो इधर आ सकते हो, 3 बजे तक खुला रहता है। सो गाइस, मिकमैक वाले रोड पे नहीं गए थे हम, इस साइड आ गए थे, वहीं वाला रोड जो अपने लेफ्ट को जा रहा था, ठीक है। अब ये हैं हॉस्टल्स, हॉस्टल्स की वीडियो मैं डाल दूंगा, बंदों को देखना है कहाँ पर है, ऐसे पड़े रहते हैं अभी, क्योंकि सोते ही 4 बजे तो उठेंगे कितने बजे, लेट ही उठेंगे। चलो भाई, देखो यार लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है हॉस्टल की, और DTU की लाइफ तो बताया था अपना आपने ही लाइफ है। ये है सारी चीज़ें यहाँ पर, इधर सीनियर हॉस्टल है और इधर जूनियर्स भी रहते हैं। अपना दोस्त रहता है HJB में, ठीक है, हॉस्टल भी दिखा दूंगा आपको, चलते हैं। अब देखो, इस साइड आ गया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और जो DTU लेक बोल रहा था ना मैं आपको, वो इस साइड को है, लेफ्ट साइड को आपकी DTU लेक है, इस साइड आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
तो पहले चलते हैं लेक। और देखो यार, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करूँगा, लेक का रास्ता था। जब बीआरओडी से आगे आते हैं ना, तो हल्का सा एक कच्चा रास्ता कट रहा था बीच में, वहाँ से लेक का रास्ता आपका। तो भाई ये हॉस्टल के पीछे वाली साइड आ चुकी है, ठीक है, यहीं पर अपनी क्या डीटीयू लेक। चलो लेके चलते हैं। सो गाइस, यार ह्यूमिडिटी काफी हो रही है, तो फाइनली हम आ चुके हैं डीटीयू लेक पर। ये डीटीयू लेक, ये है अपनी डीटीयू लेक। तो यार ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए अभी हम निकल रहे हैं बाहर। बाहर कहाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। यार देखो हालत भी खराब हो रखी है, बाल वाल भी ऐसे हो रखे हैं। क्यों मैं सोच रहा था यार थोड़ा नहा धो के बनाऊंगा, लेकिन ज्यादा टाइम हो जाता। सुबह सुबह क्या है, व्लॉग अच्छा आता है। और बाकी यार आज वेदर भी बहुत ज़बरदस्त है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रखी है, लेकिन सही है। ये वाइज हम आ चुके हैं बीआरओडी के सामने, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, चलते हैं दोबारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ। फाइनली हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाले रोड पे आ चुके हैं, ठीक है। आगे अब आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लेके चलता हूँ। ये रहा अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। साइकिल छुपा के खड़ी करेंगे ताकि कोई ले जा ना पाए, ठीक है।